खटीमा में बिना लाइसेंस के चल रही है मास्क की दुकानें। बताते चले कि इस खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण काल में भी मीट की दुकानें बिना नगर पालिका के लाइसेंस के जारी किए चल रही हैं और ना ही इन दुकानों में कोविड नियमों का पालन होते दिख रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना काल में संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। खटीमा के मुख्य बाजार सहित इस्लाम नगर इलाके में दर्जनों मीट की दुकानों में मुर्गा बकरा व मछली सहित तमाम मांस का खुलेआम व्यापार होता है, लेकिन अधिकतर दुकानों के लाइसेंस नहीं है, जिसके चलते अवैध रूप से खटीमा नगर क्षेत्र में मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। वहीं जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मानंद शर्मा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मीडिया का धन्यवाद करते हुए इस विषय को नगर पालिका के संज्ञान में डालने की बात कह अब कार्रवाई करने की दलील दे रहे हैं। ईओ के अनुसार वह अभी नगर पालिका कर्मियों को आदेशित कर रहे हैं कि वह खटीमा में चल रही मांस की दुकानों पर छापेमारी कर यह सुनिश्चित करें कि यह लाइसेंस से चल रही हैं या अवैध रूप से नियम विरुद्ध चलने वाले मीट व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। फिलहाल सवाल ये उठता है कि मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में लेने पर नगर पालिका गहरी नींद से जागी। अब देखना ये होगा कि इसमें नगर पालिका प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। धन्यवाद आपको जो आपने हमारे परिजन में चीज लाए हैं, इसकी मैं संबंधित वॉरेंट को आपके सामने निर्देशित कर रहा हूँ कि वो तुरंत जा कर के उनको चेक करें और उनको लाइसेंस लेने या न लेना उसकी जांच करें और जो काट रहे हैं उनकी जांच करें और उनके संबंध में नोटिस उनको जारी करके कड़ी कार्रवाई उनको जल्दी की जाए। तो बाहर से ला सकते हैं हमारे यहाँ तो कटिंग का कोई सवाल ही नहीं है। क्या नियम है? ये जो है पहले स्वास्थ्य विभाग से अपना जो है परीक्षण करा करके लाएंगे, खाद्य रिसर्च विभाग से, उसके बाद जो है तब यहाँ लाया अप्लाई करेंगे। यह उसकी